जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली प्राइम में एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के क्रम में जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो क्वेश्चंस कैसे हम लोग टैली प्राइम में बना पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपकी एक न्यू कंपनी है या कहीं जॉब में जा रहे हैं आपको और फर्स्ट टाइम से आपको स्टार्ट करना है, तो उसमें हम लोग कंपनी में कैसे एंट्री करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर ये क्वेश्चंस इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, यानी एक बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें 50,000 रुपया पूंजी लग रहा है और फर्नीचर उसमें लग रहा है 20,000 का, कंप्यूटर उसमें खरीदा गया है 30,000 का, मशीन कोई भी मशीन वगैरह है जो 10,000 का लग रहा है, सेलफोन उसके लिए लिया गया है बिजनेस के लिए 12,000 का और प्रिंटर लिया गया है 15,000 का। तो दोस्तों ये बिजनेस स्टार्ट करने के क्रम में ये सारे वर्क किए गए हैं। जो भी सामान है ये बेचने के लिए नहीं लिए गए हैं, ये उनके फिक्स एसेट हैं। जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो फिक्स एसेट के रूप में उसका यूज़ होता है। जैसे कि हम बिजनेस स्टार्ट करें तो बहुत सारे वहाँ जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उस बिजनेस यूज़ के लिए खरीदते हैं। जैसे मान लिया जाए कंप्यूटर खरीदे तो उस पर बिलिंग के लिए खरीदे हैं, प्रिंटर खरीदे हैं तो बिल प्रिंट करने के लिए खरीदे हैं, सेलफोन खरीदे हैं तो ये रिसेप्शनिस्ट में जो कॉल पिक वगैरह किया जाता है उसके लिए खरीदे हैं। तो ये आपके बिजनेस के लिए सारे सामान हैं। तो दोस्तों इसमें जो भी वर्क, जो भी आपका जो भी आइटम है ये सारे के सारे फिक्स एसेट हैं ये आपके बिजनेस के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेंट पेड, अगर रूम रेंट पर लिए हुए हैं तो उसका 5,000 रेंट पे करना है और किसी इंप्लॉय को वर्कर को रखे हुए या कुछ दिन तक काम कराए हैं तो उसको सैलरी पे कर रहे हैं 6,000 रुपया। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, और तीनों को मुझे टैली प्राइम में बना करके देखना है कि इसे हम लोग टैली प्राइम में कैसे बनाएंगे। ज़्यादातर इंटरव्यू में ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं और बोले जाते हैं कि इसे टैली प्राइम में आप एंट्री करके दिखाइए। तो हम यहाँ से आइए टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं और बिल्कुल फ्रेश तरीका से समझने के लिए हम क्रिएट में जा करके और एक नया कंपनी बना लेते हैं। इससे दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आएगा। कंपनी अब इंडिया और बिहार का बना लेते हैं, इंटर करके हम फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद इंटर करके जाते हैं। तो जीएसटी में क्या होता है, ये टैली प्राइम में क्या होता है कि यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में जीएसटी बाय डिफॉल्ट यस रहता है। तो ये तीनों क्वेश्चन में मुझे जीएसटी से रिलेटेड कोई काम नहीं करनी है, इसलिए इस ऑप्शन को हम नो कर लेंगे और इंटर करके हम फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों कंपनी जब बन जाती है तो एस्केप करके आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अगर आप गेटवे ऑफ टैली से अंदर चले गए हैं तो आपके पास क्वाइट का ऑप्शन है, या तो क्वाइट पे क्लिक कीजिए या कीबोर्ड में ESC जो सबसे कॉर्नर में ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में दिया होता है वहां से आप एस्केप कर लीजिए। तो हम एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ गए। अब मुझे पहला क्वेश्चन जो है वो एंट्री करना है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसका पहला एंट्री का क्वेश्चन यही होता है कि बिजनेस आपने स्टार्ट किया, इतना पूंजी इन्वेस्ट करके, इतना सारा सामान, इतना सारा चीज़ खरीदा, इतना एक्सपेंस कर दिया, इतना खर्चा कर दिया, तब जाकर के बिजनेस को आपने स्टार्ट किया। तो जो भी खर्चा एक्सपेंस के लिए आप खरीदे हुए हैं वो सारे के सारे फिक्स एसेट होते हैं आपके, वो सारे के सारे संपत्ति होते हैं आपके, और कुछ पूंजी भी काउंटर में हम लोग रखते हैं तो वो पूंजी आपका वो कैपिटल होता है। तो इसकी एंट्री हम लोग टैली प्राइम में कैसे करेंगे, तो टैली प्राइम में एंट्री करने के लिए हमें वाउचर में जाना होगा। दोस्तों दो तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, एक तो क्रिएट में जाकर के पहले सारे के सारे लेजर बना लें देन वाउचर में जाके फटाफट एंट्री कर लें। दूसरा तरीका वाउचर में जाएं, वहीं पे जब ज़रूरत पड़े तब क्रिएट में जाकर के हम उसकी लेज़र बनाएं और फिर हम एंट्री करें। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, हालांकि हम पहले लेज़र ही बना लेते हैं क्योंकि बनाने में आसान होता है और एक दो एंट्री छोड़ देंगे जिसके लिए हम वहीं पे बना करके दिखाएंगे। तो दोनों तरह से हम आपको बना करके बताएंगे। हम कुछ के लिए लेज़र बना लेते हैं, तो लेज़र के लिए क्रिएट में जाना है, लेज़र पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद लेज़र यहाँ पर सबसे पहले तो हम बना देते हैं कैपिटल के नाम से। एक कैपिटल की लेज़र की ज़रूरत है, अंडर कैपिटल अकाउंट में जाता है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन का सारे लेजर हम बना लेते हैं। एक फर्नीचर, फर्नीचर अंडर फिक्स एसेट में जाता है तो फिक्स एसेट डाल करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोई चेंजिंग नहीं करना है। एक कंप्यूटर, कंप्यूटर भी फिक्स एसेट में जाएगा, इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक सेलफोन, इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिक्स एसेट में ही जाएगा। एक मशीन, फिक्स एसेट में ही जाएगा, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक प्रिंटर, यह भी फिक्स एसेट में जाएगा, PRI, यह भी फिक्स एसेट में ही जाएगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन का जो भी लेजर था वो लेजर मैंने पहले ही बना लिया।
स्किप करके बैक आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है। अब दोस्तों गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद एंट्री करने के लिए हमें वाउचर में जाना है। जो भी दूसरा क्वेश्चन है रेंट पेड या सैलरी पेड, इसकी लेजर हम नहीं बनाए दोस्तों, क्योंकि आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। हमने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश यानी कैपिटल का लेजर बना लिया। कैश मतलब कैपिटल, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको कैश पैसा को हम कैपिटल बोलते हैं। फर्नीचर का एक बन जाएगा आपका, उसके बाद मशीन का बन गया, कंप्यूटर का बन गया, सेलफोन का बन गया और प्रिंटर का बन गया, राइट। अब एंट्री करने के लिए हम टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं। अब एक बात और आप जान लें कि जब टैली प्राइम में पहला क्वेश्चन जो बिजनेस स्टार्ट होता है उसकी एंट्री करते हैं वह F6 में जाता है, रिसिप्ट में। ये बात भी 100% याद रखिएगा, क्वेश्चन में अधिकांश ये पूछा जाता है कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसकी एंट्री हम लोग टैली प्राइम में कहाँ करते हैं, तो F6 में करते हैं, रिसिप्ट में करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो रिसिप्ट खुल गया, पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, तो क्रेडिट तो पहले हम कैपिटल को करेंगे। कितना पूंजी, तो 50,000, इंटर करेंगे। फिर से यहाँ CR लिखेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद आपका है कंप्यूटर कितने का, तो कंप्यूटर 30,000 का है, 30,000 डाल लिए। फिर CR लिखेंगे। कंप्यूटर के बाद आपका था फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर 20,000 का था, 20,000 डाल लिए। CR में फिर आपका है मशीन कितने का है, तो मशीन 10,000 का था, 10,000 डाल लिए। फिर CR में डालें सेलफोन कितने का है, तो ये आपका सेलफोन है 12,000 का, इंटर किए। फिर यहाँ CR डालें और लास्ट था आपका यहाँ पे प्रिंटर 15,000 का। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक बार आपको फिर से चेक करा देते हैं। कैश 50,000, फर्नीचर 20,000, कंप्यूटर 30,000, मशीन 10,000, सेलफोन 12,000, प्रिंटर 15,000। तो मैंने ये एंट्री कर लिया। अब डेबिट में ये पैसा क्या है, तो कैश है, तो कैश में सारे चीज़ इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो कैश 1,37,000 से। इंटर करेंगे और नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, BUSINESS, और इसे हम स्टार्ट। तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका रिसिप्ट में बन जाता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका, बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन रेंट पेड है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम यहाँ से जाते हैं, पेड करने के लिए पेमेंट खोलते हैं, रेंट पेड करना है तो डेबिट में रेंट लिखना होगा। लेजर तो रेंट का है नहीं, अगर हम बनाए होते तो यहाँ पे दिख जाता। तो हम अगर यहीं से बनाना चाहेंगे तो क्रिएट में जाकर इंटर करेंगे, लिखेंगे रेंट, अंडर ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि ये आपके लिए खर्चा होता है, तो खर्चा हमेशा एक्सपेंस में जाता है। तो हम एक्सपेंस में डाल करके इसे टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितना रुपया है, तो 5,000 डालेंगे। ये पैसा कैसे खर्च हो रहा है, तो कैश में दिया जा रहा है, तो कैश डालते हुए नरेशन लिखेंगे, रेंट पेड, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा सैलरी पेड कर रहा है 6,000 रुपया नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो सैलरी भी पे कर रहे हैं तो पेमेंट में ही बनेगा। अब पेमेंट में पहले डालेंगे सैलरी, लेजर तो है नहीं, क्रिएट में जाकर इंटर करेंगे SALARY। अब सैलरी का लेजर जो है वो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही जाएगा, क्योंकि कंपनी के लिए ये भी खर्च होता है, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमाउंट है 6,000। अब ये पैसा कैश में पे हो रहा है, क्योंकि चेक का कोई जिक्र नहीं है। अगर चेक होता तो हम यहाँ कैश के जगह बैंक डालते, तो बैंक की भी एक लेजर की ज़रूरत पड़ जाती है आपको। यहाँ पे हम नरेशन टाइप करेंगे, बीइंग सैलरी पेड, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चंस आपने आसानी से बना लिए। अगर आप देखना चाहेंगे तो डे बुक यहाँ से वाउचर में दिया हुआ है, इंटर करके हम डिटेल्स में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को हम देखना चाहेंगे। और अगर नॉर्मली आपको डिटेल्स देखना है तो यहीं पे आप अल्ट F1 भी प्रेस कर सकते हैं, तो यहीं पे भी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे तो नेट लॉस 11,000 का दिखा रहा है, क्योंकि मैंने रेंट 5,000 और सैलरी 6,000 रुपया एक्सपेंस कर दिया है। अल्ट F1 करके डिटेल्स देख सकते हैं, रेंट 5,000, सैलरी 6,000, ये मैंने खर्च कर दिया है और इनकम मुझे कहीं से अभी हुआ नहीं है। बिजनेस में मैंने पूंजी जो लगाया है उस चीज़ को अगर डिटेल्स देखना चाहेंगे तो बैलेंस शीट में चलेंगे, तो 1,37,000 रुपया यहाँ पे आपको टोटल ऑल ओवर पूंजी दिखा रहा है। अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल दिखाएगा। कैपिटल 50,000 रुपया आपका पूंजी है, और एसेट्स जो है 1,26,000 का है। प्रॉफिट एंड लॉस में 11,000 रुपया का आपको लॉस हो चुका है, और फिक्स एसेट्स जो है वो 87,000 का आपके पास फिक्स एसेट है, और कैश इन हैंड में 1,26,000 रुपया आपके पास बचा हुआ है। 1,00,000 मतलब कुछ, जिसमें 50,000 पूंजी था, मैंने 11,000 पेमेंट कर दिया, तो कुल मिला के 1,26,000 का एसेट और आपके पास बचा हुआ है, जिसमें इतना इतना का फर्नीचर वगैरह है 87 का, बाद बाकी रेस्ट अमाउंट आपको कैश में बचा हुआ है। तो दोस्तों ये टोटल आपका लाइबिलिटीज और करेंट एसेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चीज़ हो गए आपके बैलेंस शीट में।
तो इस तरह से हम लोग अगर जर्नल एंट्री करने को मिले, अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह में या फिर कहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस समय, तो इस तरह से आप आसानी से एंट्री कर पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।